नहीं, ये मुलाजिम लगे इन्होंने लगाए हुए हैं 10-10 साल हो गए, इन्होंने एक ही जगह 10-15 साल हो गए, इनको कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको कोई पूछता ही नहीं है, अपने मर्जी की है, लगाया चक्कर नहीं की, नहीं लगाया, कोई कोई टेंशन नहीं है। इधर ट्यूबवेल की आप हालत देखो, नलके की हालत देखो, ट्यूबवेल की देखो, इधर कोई कुछ नंबर नहीं लिखा किसी भाई बंदे का, भाई किसकी डिप्टी है, जेई कौन है, AA कौन है, किसी ने अगर कंप्लेंट फॉलो करनी है किसको करनी है, कम से कम कोई ना कोई नंबर तो होना चाहिए ना, वो नंबर लिखा हुआ है पता नहीं 20-15 साल कब का लिखे हुए नाम जो बड़ी बोतें दी ना थे वैल्यू है इससे ट्यूबवेल का पानी है सैल एथम लड़गन वो बाग पैड तक जंदा रहा। अच्छा। अज ये ट्यूबवेल है जेडे अस चारों तरफ ट्यूबवेल दे नजदीक साढ़े कन्ने मिलते कारण असें पानी नहीं है। PHE विभाग की मनमानी से लोग हैं परेशान। अगर आप लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचोगे तो आप लोगों को PHE विभाग के बड़े बड़े घोटाले जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं से घोटाला ही कहूंगा, एक मैं आप लोगों के सामने एक पोस्टर शेयर करूंगा, वो मुलाजमीन शायद रिटायर भी हो चुके हैं वरना उनके नंबर जो हैं वो अब भी उस पोस्टर के ऊपर लगे हुए हैं। इस समय हम पंचायत कना छड़काल तूतां दी खुई में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे PHE विभाग की मनमानी से आज कई लोग जो है वो पानी से पीछे हैं। और जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि आखिरकार PHE विभाग ने क्या गदर जो है यहाँ पर मचाया हुआ है। हमारे भाई साहब हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं, पूरा मसला क्या है? मसला एक्चुअली सर ये है कि जो पहले की पुरानी लाइन लगी थी, चलो 20-30 साल पहले पुरानी लगी थी, इन्होंने क्या किया कि वो 2-3 जगह से जो है पानी लीक हो रहा था, इन्होंने बोला कि ये रिपेयर नहीं होगी, हमने लाइन दूसरी लगानी है, नई लाइन लगेगी, मैं चलो ठीक है लगाओ, इन्होंने उस लाइन से जो है नलके हमारे लाइन इन्होंने चेंज की, जब इन्होंने लाइन चेंज की नई लगाई तो उसमें से हमारे जो कनेक्शन थे वो कट हो गए, कम से कम 4 या 5 कनेक्शन जो है वो कट हो गए। तो जब लाइन हमें नई लगी हमने सोचा चलो हम नई लाइन से मिल जाएंगे, इन्होंने क्या किया कि नई लाइन तो लगा दी लेकिन उसमें से कनेक्शन किसी को नहीं दिया। अच्छा। अभी कम से कम भी 4 महीने हो गए हमारा पानी बंद हुए, ठीक है, जय साहब को बोलते हैं, वो जय साहब बोलते हैं कि पैपे आपकी परसों आ रही हैं, वो उनका परसों आज तक नहीं आया, ठीक है, 4 महीने से पानी नहीं आया। अगर नहाने के लिए चाहिए या पीने के लिए चाहिए, चलो आदमी पीने के लिए चाहिए 1-2 बाल्टी आदमी ले आता कुएं से ले आता है, अगर किसी ने नहाना है, कोई कपड़े धोने हैं, घर में कम से कम भी एक ड्रम पानी रोज का तो लगता ही है, इतना पानी कितना आदमी लाए, अगर औरतें हैं वो बच्चे संभालेंगे क्योंकि पूरी दिन कुएं के ऊपर चलती रहेगी बाल्टी लेके, ठीक है, अगर पूरा मोहल्ला पानी पी रहा है, जितना भी मोहल्ला है हमारा पूरा पानी, कब से परेशानी आ रही है? 4 महीने हो गए नल हमारे कनेक्शन तो ये करना बंद पड़े हुए। अच्छा। 4 महीने हो गए कनेक्शन बंद पड़े हुए, बस हम यही सोचते रहे कि चलो पैपे यहाँ जा रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, लग जाएगा कनेक्शन, 4-5 बंदों का कनेक्शन लग जाएगा। इन्होंने क्या किया, हमारे 5 कनेक्शन जो थे इन्होंने कट किए, उसमें से एक कनेक्शन जो है वो लग गया। अच्छा। 5 में से 4 वहीं रहे। अभी ये हमारा शिव मंदिर है, इधर बना प्राचीन मंदिर है, ठीक है, ये शिव का, तो इन्होंने उस मंदिर का नलका नहीं लगाया लेकिन एक बंदे का लगाया, चलो वो हम क्या बोले अपने ही मोहल्ले के हैं, लेकिन एक कनेक्शन लगवाया। लेकिन मैं जय को बोला, मैं जय साहब अगर 5 कनेक्शन आपने काटे हुए उसमें से एक कनेक्शन आपने लगवा दिया, 4 लगवाए नहीं, ये कौन सा असूल हुआ? यहाँ तो पुरानी पाइप पे तो वो लगा नहीं है, जो आपने नई लाइन लगाई उसमें से आपने किसी को कनेक्शन नहीं दिया, एक बंदे को कनेक्शन दिया है, तो जहाँ तो बाकी वालों को भी दे देने थे उसमें से, बोलते नहीं आपकी जो है वो लाइन लगेगी आपके लिए, पाइपें लग आएंगी। हमने बोला चलो ठीक है लग आएंगी तो लग आएंगी, वही वेट करते रहे कि आज आएगी कल आएगी आज आएगी कल आएगी, लेकिन जय साहब ना खुद दिखे और ना ही उनकी पाइपें दिखी ना कुछ देखा। अगर उनके मुलाजिम जो इधर लगे हुए हैं उनको बोलो यार नलके उखाड़े थे, नलके तो लगा दो हमारे, हमने भी तो पानी पीना है, ओ जी इसमें से हमें आर्डर नहीं है देने का नल का। अच्छा। चलो मानते हैं हम मेन जो नई लाइन लगाई है आपने उसमें से आर्डर नहीं है, आर्डर नहीं हो तो जो भी रूल फॉलो करना होता है वो सबने एक बराबर करना होता है। अगर हमारे 5 घरों के लिए रूल बनाया उन्होंने कि इसमें से आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसमें से अगर 4 को नहीं मिला, 1 को कैसे मिल गया? या तो रूल होना चाहिए सबको एक, जब नई लाइन लगाई है उसमें से आपने इशू कर दिया कि इसमें से किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, फिर 1 घर को कनेक्शन कैसे दिया उन्होंने? तो मैं जय साहब को बोले, जय साहब बोले किसने दिया कनेक्शन? महाबाप हमने तो दिया नहीं, अगर आपके ही मुलाजिम ने किसी ने दिया होगा, जिसने भी दिया, तो इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं मैं पूछता हूँ मुलाजिम को, मैं चलो पूछ लो हम क्या बोलें। एक्चुअली क्या हुआ कि जहाँ पे जितने भी ये मुलाजिम लगे इन्होंने लगाए हुए हैं 10-10 साल हो गए, इन्होंने एक ही जगह 10-15 साल हो गए, इनको कोई ट्रांसफर नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको कोई पूछता ही नहीं है,
अपने मर्जी की है, लगाया चक्कर नहीं की, नहीं लगाया, कोई कोई टेंशन नहीं है। इधर ट्यूबवेल की आप हालत देखो, नलके की हालत देखो, ट्यूबवेल की देखो, इधर कोई कुछ नंबर नहीं लिखा किसी भाई बंदे का, भाई किसकी डिप्टी है, जेई कौन है, डबल ए कौन है, किसी ने अगर कंप्लेंट फॉलो करनी है किसको करनी है, कम से कम कोई ना कोई नंबर तो होना चाहिए ना। वो नंबर लिखा हुआ है पता नहीं 20 साल 15 साल कब का लिखे हुए नाम, जो बंदे पता नहीं घर भी करना पहुँच गए होंगे पूरी सर्विस करके। एक्चुअली ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि चलो हमें पानी दी जाए, अगर जो हमारी हेल्प होगी हम हेल्प करेंगे जेई साहब की, चलो जो जेई साहब के हाथ में होगा वो हमारी करें, हम उनको उनके साथ बोला आपने चले। जेई साहब को एक दिन मैंने फ़ोन किया भी, कम से कम भी हो गया होगा कोई 1.5 हफ्ता, जेई साहब को बोला मैं सर मैं ऐसे ऐसे तो खुश से बोल रहा हूँ कि हमारे जो नलके उखड़े हुए हैं तो उसका बोलते हैं हाँ आपकी पाइपें परसों आ जाएंगी। अच्छा परसों का अभी 2 हफ्ते हो गए तो अभी पता नहीं परसों कौन सा आना है क्या बताओ। तो आपके पंच सरपंच जो यहाँ के PRI मेंबर है वो क्या बोलते हैं? सर क्या बोले, मैंने सरपंच साहब को खुद बोला था हाँ 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 कोई बात नहीं हो जाएगा। सरपंच कौन है आप? करवाल सिंह। अच्छा क्या बोलते हैं? तो बोला कोई बात नहीं हाँ हो जाएगा मसला हल, वो किया था किया था बोलना। चलो एक दिन मेरे ये दुकान पे ऐसे बैठे थे क्योंकि वो सिटी में रहते हैं, आते रहते हैं इधर कहीं ये गांव में, तो मैंने बोला मैं सर ना हमारा लड़का जो है तो उखड़ा हुआ है तो लगाया नहीं है, उनको फ़ोन करना था। बोलता हाँ कोई बात नहीं करूँगा करूँगा, तो अब क्या पता किया नहीं किया, अभी किसी की गारंटी कौन लेगा। क्या अपील करोगे अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वीडियो को? हम यही चाहते हैं सर कि जो इधर से ड्यूटी लगी हुई है इनको इधर से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, हम देख इनको भी थोड़ा पता चले कि सर्विस क्या आती होती, क्योंकि घर से बाहर आके तो सब बैठ जाते हैं, थोड़ा दूसरे के गांव में जाना हो तो फिर पता चलता है कि गांव कैसा है, अपने में क्या है। घर के बाहर तो आदमी सब बैठ जाते हैं रोड पे, जैसे रोड के किनारे घर होगा तो आदमी गेट में खड़ा होकर तो गाड़ियां देखता रहेगा अपना ही एरिया है, जब दूसरे के एरिया में जाए आदमी फिर पता चलता है कि एरिया कैसा है। इसलिए घर के घर नौकरी मिली है लाख लाख रुपया 70-70 हज़ार रुपया पेमेंट तो होगी ही होगी, क्योंकि आजकल पेमेंट तो कम किसी के है नहीं है कि 10-15-10-12 हज़ार रुपया पेमेंट डेली वेजर की होगी वो मानता हूँ, लेकिन इधर जितने भी लगे एक आधा लगा होगा डेली वेजर, आधे तो परमानेंट है। अच्छा। अगर परमानेंट मुलाजिम भी काम नहीं करेंगे जहाँ उनके वो बोलेंगे जेई के बोलेगा जेई बोलेगा नहीं जी मुलाजिम को पूछें किस किस को, कोई बोलता पैसा नहीं है कोई बोलता पैपे नहीं है, अगर कम से कम भी 5-6 पैपे इधर फ्री बड़ी एंची के वो लगाओ चार घरों के लिए नहीं है। जेई साहब इतना बोलते हैं हमें कि भाई आप जितने आपके कनेक्शन टूटे हुए हैं चार घरों के कोई बात नहीं आप एक एक पैप सारे चारों बंदे लाइए ले आओ अपनी जेब से तो आपको कनेक्शन दे देते हैं, तो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मसला हल हो। अभी 4 महीने का मसला ही नहीं हमारा हल हुआ नलके का तो हम क्या बोल सकते हैं। पहले इन्होंने एक इशू किया मुलाजिम को, मैंने पूछा माँ यार नलका पहले बोलने लगा कनेक्शन, जेई साहब बोलता कनेक्शन निकालो, मैंने बोला चलो ठीक है कनेक्शन हम निकालेंगे, लेकिन अगर 100 कनेक्शन लगा हुआ है 100 में से 5 बंदे बिल पे करेंगे, 95 जो है वो फ्री पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो 95 जो अगर 100 बंदे का कनेक्शन है 100 बंदों का पूरा बराबर रूल निकालो जैसे बिजली का बिल है, अगर बराबर निकालो, अगर हम 200 दे रहे हैं बाकी वाले भी 200 200 दो, लेकिन सबका 200 आए चाहे 50 आए फॉर एग्जाम्पल जितना भी हो, लेकिन सबके लिए एक रूल बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कभी बोलते हैं कि नहीं जी कनेक्शन लाओ, कभी कुछ लो, हम लोग चलो लेते हैं कनेक्शन, कनेक्शन अब किस लिए लें माँ, चार घर क्यों लें कनेक्शन, अगर चार घरों के लिए पानी नहीं है बाकी सब पानी पी रहे हैं वो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्यों दें, चाहे 10 रुपये आए चाहे 5 आए चाहे नहीं आए 2 आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कनेक्शन किस लिए लेना, हमारा 20 साल पुराना कनेक्शन है, कोई आज का नया तो है नहीं, नया लेना है चलो आजकल फॉर्मेलिटी है सिटी में है, क्योंकि नया कनेक्शन लेना हो गवर्नमेंट की कोई फीस जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पाइपें भी देनी होती है सब कुछ देना होता है, वो उन्होंने चार्ज वूर्ज करके उसी में से जो सिस्टम है कोई किराए में से सर्कल चलाना है, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये है कि कोई काम रूल हो सबके लिए एक बराबर हो, क्योंकि यह गाँव एरिया है, इधर आज तक मेरे को एक भी घर बता दे कि जिसने कनेक्शन लेकर नलका लगवाया हो जो गवर्नमेंट के खाते में अगर 1 रुपया भी साल का जाता हो, ऐसा कुछ नहीं जाता सर। बाकी ये आप इस ट्यूबवेल की हालत देख लो, बस कुछ नहीं हमें यही चाहिए जी सही हिसाब से यही फील है कि हमारा नलके का मसला हल किया जाए, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है, हफ्ते में चाहे 2 बार ही पानी दो लेकिन दो, हम ये नहीं बोलते हमें डेली पानी दो या बंदा अपना डेली बंदे को बोलो इधर 24 घंटे बैठे रहे पानी छोड़ डेली, हमें वो हम नहीं बोलते, हम ये बोलते कि हमें 2 बार हफ्ते का पानी मिल जाए अपने बस हमारा गुजारा हो जाता है, हफ्ते में टोटल 2 बार पानी मिल जाए हमें बस, हमें कुछ नहीं चाहिए बस, और हमारी यही प्रॉब्लम है सर। अंकल जी क्या आखना चाहते हैं थोड़े इलाके की इन्नी जड़ी परेशानी है लगातार ये सारी कंप्लेन आ रही हैं शेयर हो दी अस ते फ्री सर्विस देने भी तैयार हाँ, इस मोटर की चलाइए लोगों को सप्लाई देने 2 घंटे दे सकते हैं ध्याड़ी दी असी, पर साड़ा नाम बिच ये होना चाहिए फलाना बंदा करा करदा, ये नहीं होना चाहिए बिच जाई कंप्लेन करा कि फलाने बंदे मोटर चलाई है उस करिए उल्टा असी अच्छा करदे बदनामी मिले वो चीज नहीं परेशानी
परेशानी ते हुन 5-6 महीने दी होई है जिसले दी इन्हें पाइप बदली कीती है उसले साडा कनेक्शन कटिया गया आ ते आके एक कनेक्शन लगा ते बाकी लगे नहीं चलो ते हुआ फिर उंदी भाई बंदी है कुसे ने जिया कीता होगा लेकिन ओ नहीं अस कुसे दे खिलाफ नहीं बोलना चांदे लेकिन अस कहने बे सानू भी दियो ना जेड़े 4-5 घर साडे हैं तुही भी वोट पाए ते साडी नहीं पाऊं बहुत साडी बहुत इंदी नेना इथे वैल्यू है इससे ट्यूबवेल दा पानी है सैल एथम लड़गन ओ बाग पैड तक जंदा रिया ते अज ए ट्यूबवेल है जेड़े अस चारों तरफ ट्यूबवेल दे नजदीक साडे कन्ने मिलदे घर असें पानी नहीं है ते बाकी दुनिया की हालत होंदी क्या अपील करके अज अपील असी ये करने आ भई कम से कम ध्यान दियो इहदे आले पासे जिंदे कनेक्शन नहीं उन्हें कनेक्शन दियो ड्यूटी अपने सर अंजाम दियो पानी लोकें कम से कम 2-3 बारी ते हफ्ते का देना चाहिए उन्हें ते ये चीज है भई अपना इमानदार ने काम करना चाहिए हूँ जेई की ड्यूटी है जेई ने अपनी करनी चाहिए AWE उन्हें अपनी करनी चाहिए उपर उन्हें सब ने बाकी आम दुनिया गर्मी का मौसम आने वाला पानी बहुत किल्लत है आखिर मुलाजमें बड़े परेशान किए सच गल है मुलाजम तो फिर उपरा तो उन्हें के कसूर है ना ये तो अगर जेई टाइट है तो उन्हें सबने टाइट कर सकता कई जगह असें देखा उन्हें अंगूठा लाने पड़ता कई ऐसे मुलाजम ने अपने टाइम दे जाते अंगूठा लाते फिर उस सिस्टम इतने भी होंगे पर वो यहाँ लागू होगा फिर बेहतर हो जाता ये चीज है अगर आप लोग यहाँ पे ट्यूबवेल का मंजर देखोगे तो ट्यूबवेल जो है वो टोटली लॉस हो चुका है वरना कहीं ना कहीं लोग जो है आज भी इसी ट्यूबवेल का पानी पीते हैं अगर आप लोग ट्यूबवेल को अंदर से देखोगे और ऊपर से देखोगे वो तस्वीरें जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साफ दर्शाती हैं कि ट्यूबवेल भी टोटली डैमेज हो चुका है वरना फिर भी लोग जो है वो ये गंदा पानी पीते हैं बड़ी शर्म की बात है कि PHE विभाग में जो यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप लोग एक जो पैसेंजर शेड जिसे जहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठते हैं PHE विभाग के लोग उस रूम की हालत देखोगे तो आप लोग भी हैरान रह जाओगे ये पूरा मंजर आप लोगों को इस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है जनता जो है वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट